सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अक्टूबर तक बहस को पूरी करने के लिए जो कहा है, यह पूरे देश के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि राम मंदिर का विवाद जो है बहुत लंबे काल से चल रहा था और कई बार इस पर खूनी संघर्ष हो गया। एक बार गोधरा में जिंदा जो है हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया और मुलायम सिंह ने यहां 5 लाख राम भक्तों को जो है गोलियां चलवा करके इसी शहीद गली में अयोध्या में जो है खून के यहां नाली बहती थी, कई बार खून खराबा हो चुका है और इसके लिए जो है कितने जो है जस्टिस मर गए, कितने वकील मर गए, वादी मर गए, प्रतिवादी मर गए, कई पीढ़ियां मर गई, कितने लंबे समय तक इसका फैसला आएगा। लेकिन अब ये जो बेंच गठित हुई है, ये निश्चित रूप से जो माननीय श्री निरंजन गोगोई जी की अध्यक्षता में बेंच गठित हुई है, जो उन्होंने कहा है कि 18 अक्टूबर तक जो है दलील खत्म होनी चाहिए, निश्चित रूप से पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अब मीडिएशन की चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मीडिएशन के लिए बहुत पहले प्रयास किया जा चुका था, बिल्कुल फेल रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं पैनल का गठन किया, इसके बाद भी जो है जब देखा कि मीडिएशन से कोई बात नहीं बन रही, कई बार उनको टाइम भी बढ़ाया गया, तब फिर डे टू डे हेयरिंग शुरू हुई और सर्वोच्च न्यायालय जो है अब साक्ष्यों के आधार पर जो फैसला आने वाला है, यही हम सबके लिए स्वीकार है। और राम मंदिर अब जो है भगवान राम का जो है टेंट में रहना बहुत बेहद दुखद है, क्योंकि अनंत काल तक भगवान राम लला को टेंट में रखना ये अच्छा नहीं है। अब इस बात को जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर है, हम सब लोग सर्वोच्च न्यायालय का तहे दिल से स्वागत करते हैं। सर, जो सुप्रीम कोर्ट से ये हो रहा हमारे लिए स्वागत है, हेयरिंग वाला काम वहाँ 18 तारीख तक हो जाएगा तो ठीक है, उसके बाद निर्णय हो जाएगा तो हम लोगों के लिए ठीक है, हम लोग बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। जो चीज राम जी का है और हम लोगों को अयोध्या के रहने वाले हैं, हमको राम जी को भी विश्वास है, हर चीज राम जी का ही है, जो राम जी कर रहे हैं वही काम हो रहा है, तो जो निर्णय होगा वो ठीक होगा, हम लोगों को सफलता मिलेगी। जो अखाड़े की संपत्ति है राम जी का है तो हमेशा जो पहले आए हैं उन्हीं को मिलेगा। हम तो कोर्ट पे उम्मीद रखते हैं हमेशा, जो है संविधान पे जो है संविधान का सम्मान करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं, जजों का सम्मान करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये मसला तय होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का एक बहुत अहम फैसला है। अगर कोर्ट ने जो है चाहे टाइम बढ़ाए, चाहे उसी टाइम पे फैसला करे, जो भी कोर्ट करेगा हम उसको मानेंगे। हम इसको लंगर देना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का एक अहम फैसला है। इस मसले को तय करने के लिए बहुत से लोग इस पर राजनीति कर रहे थे, आज जो है वो घड़ी आ गई है कि कोर्ट इसको तय करने जा रहा है। तय कर दे कोर्ट, बड़ी अच्छी बात है, हम कोर्ट का सम्मान करेंगे। बिल्कुल हम चाहते तो हमेशा चाहते रहे, वो तो नवंबर की बात है, हम चाहते हैं आज ही मसला अगर तय कर दिया जाए तो बड़ा बेहतर है। कोर्ट को धन्यवाद देते हैं जो प्रतिदिन सुनवाई करके और इतने वर्षों से लटका हुआ जो केस है और इतना जटिल है उसको इतनी जल्दी से समाप्त करने के लिए, निस्तारण करने के लिए जो प्रयास किया है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं हमारे जजेज। आशा करता हूँ कि अब जो 18 है अक्टूबर तक दिए हैं, तब निश्चित है 18 अक्टूबर तक सभी पक्ष अपनी बात जो कहना है कह देंगे, उसके बाद रहेगा उसका निस्तारण करने के लिए जो जजमेंट लिखना है उसको उन्होंने लिख करके तैयार करेंगे। इसलिए आशा है कि नवंबर तक यह आदेश आ जाएगा और ये बहुत अच्छी बात है, यह एक इतिहास बनेगा। इन 5 जजों का जो बेंच बना है वह इतिहास बनेगा और इनके लिए बड़े ही महत्व, हम लोग के लिए तो ही है लेकिन इनके लिए भी बड़े महत्वपूर्ण बात है कि इतने जटिल और इतने दिनों से लटके हुए केस को और इन्होंने समाधान किया, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ कि निश्चित है कि नवंबर तक इसका आदेश पारित हो जाएगा और हमारे रामलला जो इतने दिनों से 26वां 27वां वर्ष चल रहा है, ये ताजपट्टी में पड़े हुए हैं, वह भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, ऐसी आशा जगी है।